बैसाख के महीने में एक राही दोपहर के समय एक दूर गांव जा रहा था। चलते चलते उसे प्यास लगी। सुबह से चलते चलते थक गया हूँ मैं, बहुत जोर से प्यास भी लगा है, लेकिन रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं पानी मांगू। हाँ, एक आदमी आ रहा है, जाके उसे पूछता हूँ। भाई साहब, पानी है आपके पास? मैं तुम्हें पानी वाला दिखता हूँ, फल वाला हूँ मैं, पानी वाला नहीं। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब वो नहीं है तो पानी है क्यों पूछे? आप गलत समझ रहे हैं, मैं पीने के लिए मांग रहा था। पीने के लिए मांग रहे हो तो मुझे से क्यों? मैं पानी बेच रहा हूँ, फल का टोकरी नहीं दिख रहा है। पानी और फल क्या एक होता है? धरती और आसमान क्या एक होता है? आम और इमली नहीं पहचानते हैं, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आपसे पूछकर गलती हो गई। गलती तो है ही तुम्हारा, देख रहे हो इतनी कड़ी धूप में फल का टोकरी लेके जा रहा हूँ तो पानी क्यों मांगे? हाँ, किसी से बात करने से पहले सोच लिया करो। हाँ, उफ, कैसा आदमी है। ना, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कितना छाव है यहाँ पे। कौन? गोपाल जी? नहीं, मैं पास के गांव का हूँ, पानी ढूंढ रहा था। क्या बोल रहे हो, अपना गांव छोड़कर यहाँ आए हो पानी के तलाश में? पानी की तलाश जब कर ही रहे हो, ढुमरी गांव का पानी पिए हो? जी नहीं। क्यों? पता है तुम्हें ढुमरी गांव का पानी बहुत मीठा है, मैं वहाँ का पानी पिया हूँ, तुम भी जाके पीना। ढुमरी गांव में मेरे मामा का घर है, समझे? आप अपने मामा के घर का पानी अपने पास रखिए, अभी मुझे बहुत प्यास लगा है, पीने के लिए पानी दीजिए। तुम्हें पानी पीना है तो अपने गांव में ही पी सकते थे, इसके लिए तुम 5 कोस दूर इस गांव में क्यों आए हो? जहां तहां से चले आते हैं। चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर दिया, चलता हूँ यहाँ से। हाँ, पेड़ के नीचे कोई है, जाके उससे पूछता हूँ। भाई साहब, पानी कहाँ मिलेगा बता सकते हैं? यही मिलेगा, रुको अभी तुम्हें दिखाता हूँ। जमीन के अंदर में पानी, बादलों में पानी, गंगा में पानी, यमुना में पानी, सागर में भी पानी, कुएं में भी पानी, नाली में पानी, नल में पानी, तालाब में पानी। क्यों, मिल गया? हाँ, मिल गया। एक और पागल, जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। और भी है, झील में पानी, आँखों में पानी, मुंह में पानी, बारिश का पानी, सुनकर जाओ। जा, कहाँ गया, भाग गया क्या? हाँ, नहीं, अब लग रहा है इस गांव में पानी नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है, समुद्र का जल नमकीन है। जाकर उस बच्चे से पूछता हूँ। सुनो बेटा, क्या हुआ है, क्या चाहिए? पढ़ते समय उसे परेशान क्यों कर रहे हैं? हाँ, सुबह से इससे उससे पूछ रहा हूँ, लेकिन पानी का पता कोई नहीं बताया। मैं तुम्हें पानी का पता दूंगा, आओ आओ मेरे साथ। रासायनिक प्रक्रिया से पानी का विश्लेषण करके मिलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, समझे तुम? मैं पीने का पानी किसे कहते हैं? जिस पानी में दुर्गंध नहीं होता, बीमारी वाला बीज नहीं होता, जैसे इन बोतलों में
देख रहे हो तुम, इस बोतल में तालाब का पानी है, इसमें बहुत ज्यादा कीटाणु है। इस पानी का जांच करके मैं अधिक मात्रा में कीटाणु निकला हूँ। ये पानी पीते हैं? ये शुद्ध पानी है, इसमें दुर्गंध कीटाणु नहीं है। आप मुझे शुद्ध ठंडा पानी दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। ये रहा पीने का पानी। हाँ दिखाइए। ये क्या हुआ? हाँ जांच किया हूँ मैं, चलता हूँ। नमस्ते। वो यात्री अपना बुद्धि लगाकर बच गया, लेकिन वो ये प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक जीवित रहेगा उस गांव में नहीं जाएगा। भोदू को तो मैंने बहुत दिन से तंग नहीं किया है, अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारा जीवन भर याद रखेगा। अरे उसको क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको भेष बदल कर सबक अच्छे से सिखाना होगा, ताकि हम पे शक भी ना करे कि ये काम मैंने किया है। अरे वही तो भोदू इधर ही आ रहा है लगता है कि। अरे यार उस बुढ़ा इंसान ठेला को कैसे ठेलकर लेते लेते जा रहा है। ओह लगता है इसका कोई आगे पीछे देखने वाला भी नहीं है, भूखा होगा लगता है कि। अरे बेटा थोड़ा मेरा हेल्प कर दो ना। ठेला को हमारा हाथ लगा दो ताकि हम ठेला को लेके चले गए। बेटा मदद करो बेटा हमारा। आगे जरूर मदद करेंगे दादा हम आपका। बोलिए कहाँ लेकर जाना है इस ठेला को, बताइए हमें। ये गेहूं के बस्ता को पहले ठेले के ऊपर रख देते हैं तभी टिक रहे। अरे जा मेरा तो सारा गेहूं भुइयां गिर गया। अरे मेरा ठेला गया कहाँ आखिर, ठेला तो हमने यही रखा था। अरे यार किसने लेके चला गया। ओ तो ये तेरा काम है बेटा, अभी हम तुमको इनाम देंगे। तुम ठेला लेकर आया है तो बहुत बड़ा इनाम देंगे हम तुमको, 1 लात मारेंगे तुमको अभी हम। ये ले। अरे बाप रे बाप, मैंने इनको समझाने से पहले कुछ बोलने से पहले हमको 1 लात मार दी है। छी 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 कैसा आदमी है। अरे भोदू देखो मैं हादा हूँ, मैंने है तुमको बुद्धू बनाया हूँ। मैंने तो भेष बदल लिया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। अब जाकर घर जाकर दवाई लगा लेना, नहीं तो कल तुमको और बुद्धू बनाऊंगा भोदू। अरे बदमा। बोलो कैसा लग रहा है भोदू, बोलो कैसा लग रहा है। अरे बाप रे बाप, ओए बाबा। अने दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीता। अने मैं अंडा हूँ थोड़ा पार कर दो भाई। अने दे दो नाम दिला दो नाम देने वाला सीता नाम दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीता। अने कोई है जो इस अंडा को पार कर दे। अने दे दो 1 रुपया 2 रुपया ऊपर वाले के नाम पे इस अंधा गरीब को भाई, आप सब लोगों का भला होगा भाई। अने भाई लोग मुझे पार कर दो, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। अरे सचमुच अंधा है क्या,
या तो लगता है फिर मैं बुद्धू बन सकता हूँ क्या? कोई दे दो इस गरीब को, भूखा है। अन्य भाई लोग कुछ ध्यान दीजिए, हम पे मैं अंधा हूँ, गरीब हूँ। अने कौन दिशा में चल रहे भिक्षा मांगने रे भाई लोग? अरे लगता है सचमुच ठंडा है। खैर कोई बात नहीं, मैं चल कर इसका हेल्प कर देता हूँ मैं। अरे आइए आइए, मैं आपको पार कर देता हूँ। आइए आइए, थोड़ा यहाँ से बाएं आइए, नहीं थोड़ा सा और दाएं जाइए। हाँ हाँ, ठीक तो आराम आराम आराम, सही है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा दाएं चपिए, बाएं। भगवान तुमको भला करे बेटा, नाम रे रामा, दिला दे दो चार पैसा रे रामा, गरीब गुरबा को रामा। अगर उसको हम हेल्प नहीं करते तो हमको बहुत बड़ा पाप लग जाता। चलो इस बार हाड़ा को ढूंढते हैं, उसको जब तक अच्छा सबक नहीं सिखाएंगे हमको चैन का नींद नहीं आएगा। अरे लगता है नया बैठा है, जाकर सामने से उसको देखता हूँ। अरे तो जिंदा इंसान है, पगड़ी वाला मोछदाढ़ी लगाया हुआ है। अरे ये कोई हाडा नहीं ना है? क्योंकि हमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, क्योंकि हाडा ही ऐसा काम कर सकता है। अरे जानबूझकर पैसा फेंक कर देखता हूँ कि पैसा ये उठाता है कि नहीं। इस पैसे को मैंने देखा है, लगता है पैसा मेरा ही है। अरे हड्डा, मैं समझ गया था कि भेष बदल कर तुम ही यहाँ पे खड़ा है। तुमको मैं टेस्ट करने के लिए पैसा यहाँ पे फेंका था। ओ तो तुम्हारा इस बार लक्ष्य पूरा पकड़ा गया। अरे इस बार मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे भोदू, तुम मुझे इस बार क्या पकड़ोगे? भगवान राम तक भी नहीं पकड़ पाएंगे। ए बुढ़ी, ए बुढ़ी, तुम मेरे रास्ते से साइड से हटो, रास्ता छोड़ो मेरा। क्या बोला तुमने? मैं तो कुछ नहीं बोला। मेरे साथ बदतमीज किए हो, तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत। अरे बोलो तो कुछ बोलना। अरे तुम कुछ बोलना। तुम, अरे इस बार के लिए मुझे माफ कर दे, मैं अब ऐसा कभी काम नहीं करूँगा। इस बार के लिए प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए ना। अरे ये तो सीआईटी गोविंद ठाकुर है, लगता है इसी के हाथे हाडा पड़ गया है। अच्छा हुआ इसके हाथ से पिटाई खा गया, हमें बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अरे हाडा, तुमसे बहुत अच्छा भेष लिया है। अरे तुमको अभी इस वक्त कोई नहीं पहचान पाएगा हाडा, कि ये तुम हाडा हो। अरे भोदू, इस बार बहुत ज्यादा मार खा गया, अब कभी जीवन में कभी मैं भेषभूषा नहीं बदलूंगा भोदू। बहुत दर्द कर रहा है भोदू, कभी जीवन में ऐसे कभी शरारत नहीं करूंगा भोदू, कभी भेषभूषा नहीं बदलूंगा। अरे यार दोस्त लोग, तुम लोग भी तो कुछ बोलो ताकि मैं कुछ सुनूं। गोपाल, गोपाल घर में हो कि नहीं? लाला जी आइए आइए, कैसे आना हुआ? 1 साल होने वाला है और तुम अभी तक राशन का कर्ज नहीं चुकाए हो। हाँ लाला जी, कुछ दिनों से तंगी चल रहा था, लेकिन अब जल्दी ही दे दूंगा आपका पैसा। अच्छा हुआ गोपाल तुम रास्ते में मिल गए, मैं तुम्हारे घर पे जा रहा था। क्या हुआ गोपाल, आज दूंगा कल दूंगा रोज रोज बहाना बना रहे हो? सच सच बताओ तुम, मेरा पैसा कब दोगे? 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक दिए नहीं हो तुम। मैं देवी देवताओं का कसम खाकर कहता हूँ, मैं परसों तुम्हारा पैसे दे दूंगा। याद रखना, तुम परसों मेरा पैसा दे देना। अगर तुम परसों मेरा पैसा नहीं दिए तो मैं महाराज से जाकर शिकायत करूंगा, समझे? मैं दे दूंगा।
राज गोपाल, राशन का पैसा देने वाला था। पैसे दिया है? नहीं, पैसे नहीं दिया है। और घर पे दो बार लोग भेजा था, लेकिन खुद नहीं आया। ठीक है, देखता हूँ कैसे मेरा पैसा नहीं देता है। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम, क्यों आए हो? महाराज, महाराज मैं इस राज्य का एक छोटा सा बनिया हूँ, मुझे पे एक समस्या है। तो बताओ क्या समस्या है? महाराज, आपका विदूषक गोपाल एक साल पहले मेरे दुकान से राशन उधार लिया था और बोलता है आज दे दूंगा कल दे दूंगा, लेकिन मेरा पैसा आज तक नहीं दिया। कुछ कीजिए महाराज। ये क्या गोपाल, तुम चारों तरफ से कर्ज क्यों ले रहे हो? ए क्या गोपाल, तुम्हारे कर्जदार राज्यसभा तक आ गए हैं? जी 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 जी, ये राज्यसभा ही या कर्जदारों का दफ्तर है। चुप हो जाओ तुम सब। गोपाल, क्या लाला जी सच बोल रहे हैं? जी हाँ महाराज। तो इनका कर्ज तुम कब दोगे? महाराज सच बात तो ये है, उधर राशन बहुत लाया हूँ, लेकिन एक साथ सारा पैसा नहीं दे सकता हूँ मैं, इसलिए मैं धीरे धीरे उनका पैसा चुका दूंगा। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा 10,000 10 महीने में चुका देना होगा। आपका 10,000 नहीं, 5,000 है, 5 महीने में दूंगा। 10,000 देना है? नहीं, 5,000 है। आपस में लड़ो मत दोनों। लाला जी आपका हिसाब दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए महाराज। सच में गोपाल, तुम्हारा तो 10,000 है, कहाँ दिखाइए महाराज। ये बात झूठे है महाराज, मैं राशन लेने गया था तो सिर्फ दाल लिया हूँ, घी नहीं लिया हूँ महाराज, और ये घी का हिसाब किए है, ये तो गलत है ना? देखिए महाराज, देखिए गोपाल कितना झूठ बोलता है, बिना घी का कोई दाल खाता है महाराज। विश्वास कीजिए महाराज, मैं गरीब हूँ, रोज रोज कहाँ से घी खाऊंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ गोपाल, मुझे लगता है लाला जी सच बोल रहे हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम 10 महीने में लाला का 10,000 दोगे। जैसी आज्ञा महाराज। लाला मैं बहुत जल्द तुमसे बदला लूंगा। एलो लाला, 1,000, तुम्हारा 10,000 पूरा हो गया। हाँ गोपाल, पूरा 10,000 हो गया। तुम्हारा कर्ज तो खत्म हुआ, पर मैं मुश्किल में पड़ गया, मुझे पैसों की जरूरत है। कर्ज मैं नहीं दे सकता हूँ गोपाल। नहीं, कौन तुमसे कर्ज मांग रहा है? मैं गन्ने के रस से गुड़ बनाया हूँ, अगर तुम खरीदोगे तो। पहले गुड़ देखूंगा फिर खरीदूंगा, समझे? ठीक है, कल आना मेरे घर। हाँ गुड़ बहुत अच्छा है, ये लो गुड़ का कीमत। वे सुनो सब, उठाओ गुड़ और चलो। हाँ क्या बोल रहे हो, ऊपर गुड़ है और अंदर रेत है, ये क्या? विश्वास नहीं हो तो जाकर देखिए। कहाँ? चलो दिखाओ। ये देखिए, ये देखिए, देखिए। मुझे गोपाल बेवकूफ बनाया, अभी जाकर उससे पूछता हूँ। ओहो, क्यों गुस्सा हो रहे हो लाला जी? तुम जैसे घी के बिना दाल नहीं बेचते, वैसे ही मैं रेत के बगैर गुड़ नहीं बेच सकता हूँ, समझे? एक राज्य था लेकिन छोटा और शक्तिशाली था। राजमाता सुचंद्रा अपने दोनों बेटे काल केतु और श्वेत केतु के साथ रहती थी। उनका बड़ा बेटा श्वेत केतु पूरा दिन राज्य के काम संभालने के बाद दोनों भाई पासा खेलते थे। ये
देखो पाँच। इस बार आप हार जाएंगे भैया। महाराज इन लोग आपसे मिलने आए हैं। क्या बात है बोलिए। महाराज कुछ दिनों से गांव में हंगामा मचा है, गाय भैंस गधा सब कुछ अचानक गायब हो जा रहा है। जंगल के पास में गांव है हमारा, शेर बाघ या चोर हो सकते हैं। आप लोग डरिए मत, मैं सेनाओं को भेज दूंगा जंगल में पहरा देने के लिए। सेना भेज रहे हैं तो भेजिए भैया, लेकिन मैं भी साथ में जाऊंगा। एक बार मैं अपने आंखों से मैं सब देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे। बातों के अनुसार कल के तू सेनाओं के साथ रवाना हो गए इधर जंगल में। धत, रोज रोज पशुओं का मांस खा खा के मेरा मुंह पक गया है। किसी इंसान का मांस मिलता तो अच्छा होता। आप बेवकूफ है, मरना चाहते तो इंसान खा सकते थे। कैसे? सुनिए, राज्य का छोटा राजा काल केतु जंगल घूमने आए हैं। हाँ, तू ठीक बोल रहा है। वो देखो छोटे राजा काल केतु। रुक जाओ, अभी मजा चाहता हूँ। इस जंगल में कौन रो रहा है? महाराज, किसी औरत की रोने की आवाज है। अब यहीं पे रुकिए, मैं जाके देखता हूँ। माँ जी, आप कौन है? इस जंगल में बैठ के रो क्यों रही है? कौन हूँ मैं? तू देखना चाहता है तो फिर देख मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ूंगा लेकिन अपने मुंह में। महाराज, जंगल में से चिल्लाने की आवाज आई थी। हाँ, एक खतरनाक डाकू था, उस डाकू को मैंने मार दिया, उसी का चिल्लाने का आवाज था। चलो अब महल में चलते हैं। सच में छोटे, आज तुम्हारे वजह से मुझे बहुत गर्व हो रहा है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आपके साथ पासा खेलना चाहता हूँ। अगर आप हार गए तो आपके जगह मैं राजा बनूंगा और आपको ये राज्य त्याग कर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पासा खेलने बैठे सेठ के तू अपने भाई के रूप में अभी राक्षस के साथ खेल में हार गए और महल से जाने का वक्त। काल के तू, तुम जो कर रहे हो बहुत बड़ी अन्याय है। ये मत भूलिए कि अब मैं राजा हूँ। मुँह संभाल के बात करो, वरना क्या करोगे? देखोगी क्या करूँगा मैं। ठीक है तो फिर देखो। पहरी आदेश महाराज। इसे इसी वक्त कल कोठरी में बंद कर दो। इनको कल कोठरी में? क्या हुआ, मेरा बात सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं, जा रहा हूँ। आइए रानी माँ। क्या हुआ, अभी भी तुम यहीं पे खड़े हो? जा रहे हो या फिर मृत्यु दंड दू? नहीं नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। राजमहल छोड़कर सेठ के तू इधर उधर भटकने लगे। रात को मंदिर में रहते थे और इधर राक्षस ने अपना अत्याचार पूरे राज्य में करने लगा। तभी एक दिन ओम नमः शिवाय। देवो के देव महादेव प्रणाम। तुम्हारा प्रजा राक्षस के अत्याचार से दुखी है। ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपना राज्य अपने भाई को सौंप के आया हूँ। वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो राक्षस तुम्हारा भाई का बात करके रूप बदल लिया है। ए लो त्रिशूल, इस त्रिशूल के द्वारा उस राक्षस का वध करना और अपना राज्य संभालना। जो आज्ञा महादेव।
तुम फिर से आ गए, मेरा सिंहासन हासिल करने आए हो। सिंहासन पाने से पहले तुम नरक में जाओगे। तुम्हारे ज्वाला को तो मैं बीच में रोक दिया, देखो तो तुम मेरे इस त्रिशूल को ऐसे रोकते हो। उस दिन से सेठ केतु अपने राज्य को संभालने लगा। राजमाता सुचंद्रा भी अलकोट्री से मुक्त हो गई, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि राजा सेठ केतु जब राज्य त्याग के जा रहे थे तो माँ को क्यों नहीं लेके गए। कारण यह था कि राजा सेठ केतु का उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, अगर ले जाते तो ये उनकी मूर्खता होती।